नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं मेंसुरेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर टाइल्स ईच ऑफ साइज 70 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर मस्ट बी लेड हॉरिजॉन्टली ऑन ए रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ साइज 110 सेंटीमीटर बाय 130 सेंटीमीटर सच दैट टाइल्स डू नॉट ओवरलैप। टाइल कैन बी प्लेस्ड इन एनी ओरिएंटेशन so long as its edges are parallel to the edges of the floor. No tile should overshoot any edge of the floor. Maximum number of tiles that can be accommodated on the floor is. आप इसको वीडियो पोस्ट कीजिए, निकालने की कोशिश करें। देखो क्या बोला गया स्टेटमेंट में कि एक आयताकार फ्लोर है, कोई आयताकार फर्श है और उसके ऊपर टाइलें बिछानी है और वो भी जो टाइलें हैं आयताकार टाइलें हैं। तो हमें बताना है कि कितनी टाइलें मैक्सिमम है इस फर्श पे आ सकती है, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए और जो एज है उसको भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन बन रहा है। देखते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं। देखो इस फॉर्मेट में ये है 100, जो फ्लोर है वो क्या है 130, यहाँ पे 130 ले लेते हैं, इस साइड 110 ले लेते हैं, इसकी चौड़ाई 110 ले लेते हैं और लंबाई है 130 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब इसके अंदर रेक्टेंगुलर साइज की रेक्टेंगुलर टाइल्स है 70 और 30 की साइज। तो देखिए आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में, और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करने ही सही निकलेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, ऐसा कोई इसलिए क्वेश्चन का वो 70 सेंटीमीटर 70 30 है ना 70 और 30 70 तो कितना बच गया 60 बच गया 30 और 30 इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो इस साइड आ गई टाइल, एक तो ये आ गई 70-30 वाली टाइल इस साइड आ गई। अब क्योंकि 60 बच गया तो दो इस साइड आ जाएगी, ऐसे करके दो आ जाएगी, ऐसे करके दो आ जाएगी, और क्योंकि 110 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 70 ये होगा तो 40 रह जाएगा, 40 जगह रह जाएगी। तो कितनी आ गई टाइल अभी तक, ये दो टाइल यहाँ पे आ गई, एक टाइल ये है और दूसरी टाइल ये है, इसको भी मैं ये कलर कर देता हूँ। अब ये बच गया 40, क्योंकि 70 तो यहाँ तक जा चुका था, 70 40 बच गया, इसका मतलब एक टाइल है 30 जो ब्रिथ है वो ऐसे आ जाएगी यहाँ पे, तो कितना है 70 और 30, ये वाली टाइल 40 बचा था 30 आ गया इसमें, तो मैं यहाँ पे इसको भी ऐसे कर देता हूँ 70। अब इस साइड कितना बच गया, इस साइड बच गया 60, इस साइड बच गया 60, इसका मतलब इस साइड ऐसे टाइल तो नहीं आ सकती। और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, यहाँ पे 110 है 30 ये माइनस हुआ है तो ये कितना बच गया 80, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे टाइल आ सकती है, एक तो ये आ जाएगी ऐसे और एक ये आ जाएगी, तो 30 और 30 60। और अगर आप ये क्यों बचा हुआ कितना है, यहाँ पे बचा हुआ है वो 60 है, यहाँ पे बचा हुआ वो 60 है, इसका मतलब 60 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक कवर हो जाएगा। आप बोल सकते हैं इसको एक टाइल यहाँ पर मान लीजिए और एक टाइल यहाँ पर मान लीजिए, तो ये कवर हो गया, दो टाइल यहाँ पे आ गई है, दो टाइल यहाँ पे आ गई है, एक ये टाइल और एक ये टाइल, तो कितना हुआ है टोटल, देखो 30 था और 30 60 और 70 ये, ठीक है, तो इसका मतलब ये फिट आ रही है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल टाइल आएगी, तो आंसर क्या हुआ सी इसका आंसर होगा, और कोई टाइल आएगी नहीं, ओवरलैपिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बॉल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ होलो सिलेंडर स्टैंडिंग वर्टिकली, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर व्हाइल इट्स वॉल्यूम इज 9 पाई सेंटीमीटर, देन वर्टिकल डिस्टेंस इन सेंटीमीटर ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बॉल फ्रॉम द बेस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा। क्या बोला हुआ है कि एक सिलेंडर दिया हुआ है, ऐसे करके सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर है, और सिलेंडर की हाइट है वो कितनी दी हुई है, सिलेंडर की हाइट है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है, 3 सेंटीमीटर की हाइट है, इसके ऊपर बॉल है, यहाँ ऐसे करके कोई बॉल रखी हुई है, ऐसे करके बॉल, और उसका रेडियस है, उसका रेडियस कितना है, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 2 हो जाएगा, ये 2 है, और इसका वॉल्यूम है सिलेंडर का वो दिया हुआ है 9 पाई सेंटीमीटर। हमें बताना है कि वर्टिकल डिस्टेंस है, टॉप मोस्ट पॉइंट, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट होगा बॉल का और बेस का, बेस ऑफ सिलेंडर वो कितना होगा, वो कितना होगा, तो ये बताना है, वीडियो पॉज करके निकालने की कोशिश करें। अब देखिए इसमें 3 सेंटीमीटर है, पहले हम इसकी ये रेडियस निकाल लेते हैं, कितना होगा रेडियस
पाई आर स्क्वायर एच ये वॉल्यूम होता है जो कि दिया हुआ है 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू दी है 3 आर स्क्वायर, और यहाँ पे एच की वैल्यू अगर 3 है 3 से 3 कैंसिल 3 बच जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ जाएगी √3। अब ये √3 तो यहाँ पे आ गया √3 आ गया, और हमें निकालना है कि ये जो यहाँ से पॉइंट और ये इसकी दूरी कितनी होगी नीचे तक। तो देखिए इसका मतलब कुछ पोर्शन, अगर मैं इसको सिलेंडर देखो ऐसे है, सिलेंडर का इतनी ये है, तो कुछ पोर्शन इसका नीचे गया हुआ है किसका, बॉल का। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर है, तो सेंटर से ये जो दूरी है ये कितनी है, 2 होगी, क्यों, क्योंकि रेडियस है ये रेडियस है, रेडियस 2 है ना, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 है, तो ये 2 है, और रेडियस कितना है इसका सिलेंडर का, ये है √3। तो हमारे पास इस तरह से बन गया है, ऐसे करके बन गया है, ये 2 होगा, ये √3 है, और ये 2 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, वो कितना हुआ, 2 की पावर 2, 4 4 में 3 1, तो ये आ गई 1 इसकी वैल्यू। आप बोल सकते हैं कि सेंटर से और जो सिलेंडर है उसके सिलेंडर की दूरी है वो 1 है, और ऊपर कितनी है, ऊपर 2 है, क्योंकि ऊपर तो रेडियस है, ऊपर रेडियस है 2 और 1 3, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक वो है 3, और 3 है ये नीचे, 3 है नीचे, तो कितना हुआ टोटल 6 इसका टॉप पॉइंट से बेस की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो आंसर क्या हुआ, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बेस ऑफ ए वर्टिकल पिलर विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज ए ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर व्हाइल अदर टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, बिटवीन द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 12 सेंटीमीटर, इफ द हाइट ऑफ द पिलर इज 20 सेंटीमीटर देन द टोटल एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ऑल 6 सरफेसेस ऑफ द पिलर। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है वो प्रिज्म का है, प्रिज्म बन जाती है ना, जब सिलेंडर में क्या होता है गोल होता है, अगर कोई चीज गोल ना हो और 3 डायमेंशनल हो तो क्या हो जाएगी, वो प्रिज्म हो जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल है ऊपर तक पैरेलल है, तो ये क्या बन गई है, ये प्रिज्म बन गई है। अब हमें इसकी जो 6 साइड क्यों हो जाएगी इसकी 6 साइड, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, इसका बेस ट्रेपेजियम है, पहले वो ट्रेपेजियम बना लेते हैं जिससे थोड़ा समझ में आसानी से आ जाएगी। देखो ये ऐसे करके बेस है और इसकी एक साइड है वो 20 है, दूसरी 10 है, ये अगर एक साइड 20 है तो दूसरी कितनी है, दूसरी है 10, ऐसे करके 10 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये दो जो साइड है ये दो साइड है ये क्या है, इक्वल साइड लिखा हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड है वो 12 और जो इक्वल साइड है बाकी दो साइड है वो इक्वल होगी लेंथ में, तो ये साइड और ये साइड है बराबर है, और इससे क्या ट्रेपेजियम वो बनाना है, हमें प्रिज्म बनाना है, तो ये कि आप इसको आगे बढ़ाओ कैसे करके, इसको भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे इस फॉर्मेट यहाँ तक ही है ऐसे कर लीजिए, ऊपर क्या है, ऊपर इस तरह की सरफेस होगी ट्रेपेजियम जैसे नीचे है, ऊपर वही सरफेस होगी जो नीचे है ऐसे करके। अब इसकी कितनी साइड हो गई, देखो एक ये होगी एक ही पीछे होगी इसकी, एक ये होगी और एक ही होगी, तो कितनी हो गई टोटल 4 तो ये हो गए लेटरल में, मतलब आगे पीछे, और इस साइड में देखो मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये हो गई लेफ्ट वाली लेटरल और ये होगी राइट वाली लेटर, फिर आगे पीछे वाली है, आगे और पीछे वाली, तो ये आगे वाले पोर्शन होगा ये वाला और उसके पीछे भी ये पोर्शन होगा, तो दो आगे पीछे वाली हो जाएगी क्योंकि 3D है ये, तो कितना हो जाएगी 4, 2 और 2 आगे पीछे, ये 4 हो गई और एक ये और एक ये 6 हो गई टोटल। हमें बताना है कि टोटल एरिया ऑफ सिक्स सरफेसेस का टोटल एरिया कितना है, तो हमें क्या है कि इन दोनों का तो बराबर होगा, तो पहले ये निकालते हैं ट्रेपेजियम वाला, ट्रेपेजियम का क्या होगा देखिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड के एक 20 और एक 10 है, कितनी होगी 30, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कितना आ जाएगा 12, तो ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, 180 ये है तो 180 ये है, तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 तो ये हो गया। अब देखते हैं कि देखो अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ ऐसे करिए रेक्टेंगल बन गई,
तो अगर 10 ये, तो ये भी 10 हो गई, ये 5 है, इसका मतलब ये भी 5 हो गई, 5 और 5 10 और 10 20 हो गए ना, 5 ये 12, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो जो ये वाली साइड है जो इसको हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से बनेगी, ये एक तो 13 हो जाएगी इसकी, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई हो गई ना 20 की, तो कितने हो जाएगी 13 इंटू 20 260 हो जाएगा। तो 260 ये वाला एरिया हो गया, 260 ये वाला एरिया हो गया, मतलब क्या हुआ कि इसकी जो चौड़ाई है ना ये तो 13 हो जाएगी और लंबा ऊंचाई है वो हो जाएगी 20, तो 260 और 260 520 हो गया, 520 हो गया, 26 दूनी 52। अब हमारे पास कौन सी बच गई, जो सामने वाली है और पीछे वाली है, चार तो निकाल दी हमने, सामने वाली है और पीछे वाली है वो कितनी है, तो सामने वाली देखो पहले, ये कितनी सामने 20 है, लंबाई कितनी है ये वाली 20 और 20 ऊपर है, तो 400 तो ये हो गई। फिर इसके पीछे पीछे क्या होगा, पीछे ये होगा 12, सॉरी 10 वाली साइड होगी, 10 ये और 20 इस साइड है, 20 और 10, 20 इंटू 10 200, तो पीछे वाली का एरिया कितना हुआ 200 और आगे वाली का हुआ 400, तो टोटल कितना हुआ 600। तो हम आगे पीछे वाले का तो 600 निकाल दिया, ठीक है, ये वाले का कितना निकल गया 520, और ये इसका कितना निकल गया 360, इन तीनों को जोड़ेगा कितना आ जाएगा 1480 इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से जो थ्री डायमेंशनल होता है उसका विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ट्रेपेजियम वगैरह ये जो प्रिज्म है या पिरामिड है इनका मेन है वो आपकी विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए सॉलिड मेटालिक क्यूब इज मेल्टेड टू फॉर्म 5 सॉलिड क्यूब्स हुज वॉल्यूम आर इन द रेशियो 1:1:8:27:27, परसेंटेज बाय विच द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ दीज 5 क्यूब एक्सीड द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब इज नियरेस्ट, क्या बोला गया है कि एक क्यूब है, एक घन है ठोस, उसको पिघलाकर 5 सॉलिड क्यूब बनाए जाते हैं, और जो बनाए जाते हैं उनका वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हमें बताना है कि जो पहले वाला क्यूब था और जो नए क्यूब बने हैं उसका सरफेस एरिया, हम इस बार बात क्या कर रहे हैं सरफेस एरिया, वो कितना एक्सीड करेगा, कितने परसेंट करेगा ओरिजिनल वाले से, ये बताना है। तो देखिए इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि एक है, ये एक है, ये आठ है, ये 27 है, ये 27, इससे क्या है वॉल्यूम से हम लोग पहले इसकी साइड निकाल सकते हैं। एक जो क्यूब होता है, क्यूब की अगर साइड ए हो तो वॉल्यूम क्या होता है 1 की पावर 3, वॉल्यूम क्या होता है 1 की पावर 3, तो इसका क्या हुआ साइड पे एक, इसका एक, इसके दो और इसके तीन और इसके तीन, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 3 8, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 3 1, ये हो गया साइड। और सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a², मतलब ये ए साइड है तो सरफेस एरिया हो जाएगा। अब हम इसका वॉल्यूम देख लेते हैं पहले, कि देखो कितना वॉल्यूम था, अगर 27 8 रे के 1 रे 2 8 10 27 54 10 64, 64x, अगर मैं x की बात करूं लगाता हूं, x लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों रेशियो है तो कट जाएंगे वो, तो 64 है, तो इसका वॉल्यूम है किसका, पहले वाले का, क्योंकि 64 वॉल्यूम इसका है, तो फिर क्या होगा इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो एक इसका हो जाएगा 1 यूनिट इसका, 8 यूनिट 27 यूनिट और 27 यूनिट, तो 64 इसका मतलब क्या हुआ कि साइड कितनी होगी, फिर 4 इसकी साइड होगी, क्योंकि 4 की पावर 3 होगा, अगर स्टार्टिंग वाले का वॉल्यूम 64 है तो साइड कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 4 है इसकी साइड हो जाएगी। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा अगर इसकी 4 साइड है, तो 6a² मतलब 4 की पावर 2 × 6, 4 × 16 = 96 सरफेस एरिया है वो किसका है स्टार्टिंग वाले का, और इन सबका क्या है जोड़ करेंगे तो 6a² वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 2 × 4 = 24, 3 × 3 = 9, 9 = 54 और 54 है, तो 6 से 12 = 24 = 36 और 54 + 108 = 144 हो जाएगा। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा 144, मतलब कि जो 5 सॉलिड क्यूब बने हैं उसका 144 होगा और जो पहले वाला है उसका 96 होगा। यहाँ पे x हो कुछ भी हो वो कैंसिल हो ही जाएगा, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। 24 × 96 = 144, 2:3, 2:3 मतलब कि पहले अगर सरफेस एरिया 2 था अब 3 हो गया सरफेस एरिया, पूछा कितना बढ़ा एक्सीड कितना किया, तो 1 किया किस पे 2 पे, 100 पे कितना किया 50, 50% ज़्यादा है, जब एक्सीड कितना किया ओरिजिनल से 50% ज़्यादा किया, तो आंसर क्या हुआ सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
रेक्टेंगुलर फ्लोर इज फुली कवर्ड विद स्क्वेयर टाइल्स ऑफ आइडेंटिकल साइज. द टाइल्स ऑन द एजेस आर व्हाइट एंड टाइल्स ऑन द इंटीरियर आर रेड. नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ रेड टाइल्स. पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टाइल्स अलोंग वन एज ऑफ द फ्लोर इज. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करें, इसको वीडियो पोस्ट करें और इसको जरूर करें पहले, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मैथ इन्वॉल्व नहीं है, सोच इन्वॉल्व है इसमें. तो देखिए, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, आयताकार खेत है, आयताकार एक फर्श है और उसमें स्क्वेयर टाइल है वो कवर करनी है. तो ये आयताकार फ्लोर हो जाएगा और इस आयताकार में स्क्वेयर टाइल, ऐसे करके स्क्वेयर टाइल है, ऐसे करके स्क्वेयर टाइल है, ये बिछा दी गई है. और क्या बोला गया है कि जब ये बिछा रहे हैं स्क्वेयर टाइल है, तो इसमें जो एजेस हैं, एक्सटीरियर साइड है वो व्हाइट टाइल्स होगी. व्हाइट को मैं इस रूप से दर्शा देता हूं, व्हाइट को ये व्हाइट टाइल्स, और अंदर है जो दूसरी परत होगी उसमें क्या है, रेड टाइल्स है, ये रेड टाइल्स है, अंदर की तरफ रेड टाइल्स है और बाहर की तरफ व्हाइट टाइल्स है. या मेरा डायग्राम मोटे तौर पे ये बना दिया है. अब हम बता रहे हैं नंबर ऑफ व्हाइट टाइल इज सेम. अच्छा, क्या और कंडीशन दी है कि व्हाइट टाइल है वो नंबर्स में उतनी है जितनी की रेड टाइल्स है. तो बताओ कि पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है एक एज पे, एक किनारे पे एज पे पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है नंबर ऑफ टाइल्स की, वो हमें बताने है. और ऑप्शन से आप एक आइडिया भी ले सकते हैं, तो 10, 12, 14, 16 क्या हो सकता है ये बताना है. तो देखिए, नंबर ऑफ टाइल मान लो लेंथ के अनुसार एम है और नंबर ऑफ टाइल्स चौड़ाई के साथ में एन है. नंबर ऑफ टाइल्स एम है, नंबर ऑफ टाइल्स चौड़ाई के साथ में एन है, तो टोटल टाइल कितनी हुई, एम इंटू एन, एम एन है वो टोटल टाइल्स हो गई, टोटल टाइल्स हो गई. अब देखो ये एम है, वाइट टाइल कितनी हुई, वाइट टाइल्स, वाइट टाइल्स, वाइट टाइल्स हो गई, एम तो ये हो गया और एम इस साइड हो गया, एम ये हो गया और एम है वो ये हो गया, तो कितनी हो जाएगी एम और एम टू एम. और एन कितनी हुई, एन ये एन है तो इसमें से एक ये माइनस कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, आप बोल सकते हैं कि प्लस टू एन और माइनस फोर, एक दो तीन चार, टू एन एक साइड एन, एक साइड एन, लेकिन माइनस फोर होगा, वाइट टाइल आ गई, नंबर ऑफ वाइट टाइल्स आ गई. अब नंबर ऑफ रेड टाइल की कौन सी बच गई, तो इसका मतलब एम एन है उसमें से अगर मैं वाइट टाइल माइनस कर दूं, टू एम माइनस टू एन और माइनस फोर, प्लस फोर हो जाएगा ना, ये माइनस कर दिया वाइट टाइल, टोटल टाइल्स एम इंटू एन थी उसमें जो वाइट टाइल्स माइनस कर दी, निशान चेंज हो जाएगा, तो वो क्या बच गई, ये रेड टाइल्स आ गई, ये आ गई रेड टाइल्स. रेड टाइल्स और वाइट टाइल्स बराबर है, तो टू एम प्लस टू एन माइनस फोर. हमने क्या किया अभी तक, नंबर ऑफ टाइल्स एम, नंबर ऑफ टाइल्स एन, एम इंटू एन गुना करेंगे तो टोटल टाइल्स हो जाएगी, ठीक है, इतनी यूनिट हो गई है, किस्म से आप यूनिट के हिसाब से ले सकते हैं. वाइट टाइल्स है वो कितनी हो जाएगी कि एक एम अगर ये है एम तो इस साइड हो जाएगी एम, दो एम, एन है और एन है टू एन, लेकिन चार ये ऑलरेडी कवर हो चुकी है, लंबाई कैलकुलेट करते टाइम तो वाइट टाइल्स आ गई. व्हाइट टाइल्स और रेड टाइल्स कितनी होगी, जितनी ये टोटल थी उसमें से व्हाइट टाइल्स माइनस कर देंगे तो रेड टाइल्स आ जाएगी. रेड टाइल्स और व्हाइट टाइल्स है वो दोनों बराबर है, ये लिखा हुआ है कि दोनों बराबर है, सेम है नंबर में, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है. तो क्या बन गया है इस इक्वेशन में वो देख लेते हैं कि एम एन, इसको मैं इस साइड ले लेता हूँ, ये आ जाएगी चार एम और इस साइड आएगा तो 4n माइनस एम एन माइनस एम एन और ये इस साइड जाएगा तो इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एम एन माइनस फोर एम माइनस फोर एन इज इक्वल टू माइनस 8, ये इक्वेशन बन रही है. अब हम इस इक्वेशन की मदद से कंक्लूजन की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, इसका मतलब क्या, इसका फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे.
या क्या कैसे फैक्टर बन सकते हैं? अगर मैं एम ए माइनस फोर और एन माइनस फोर इसको बनाकर एलिब्रेट करता हूँ, मतलब दो फैक्टर बना लेते हैं लंबाई और चौड़ाई के अनुसार, जब एक आइडिया हो जाएगा हमें एम माइनस फोर क्या हो जाएगा, एम एन फिर फोर एन माइनस सॉरी फोर एन प्लस हो जाएगा एम एन, हमने कर दिया यहाँ पे एम माइनस फोर एम इंटू माइनस फोर, जो माइनस का हो जाएगा फोर एम, फिर है ये माइनस फोर एन, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस सिक्सटीन, प्लस सिक्सटीन। तो ये कैसे बन रहा है, एम एन माइनस फोर एम माइनस फोर एन इज इक्वल टू माइनस एट, माइनस एट होता है। तो अगर ये किसके बराबर होगा, फिर ये किसके बराबर होगा, तो एट कब होगा, जब मैं माइनस एट इस साइड सिक्सटीन कर दूँ, इस साइड सिक्सटीन कर दूँ, क्योंकि इसमें अगर सिक्सटीन जोड़ दूँ मैं तो इस साइड भी सिक्सटीन जोड़ना पड़ेगा। हमारे पास क्या है कि ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसके बराबर आ जाएगा, 16 जोड़ दिया, इस साइड 16 जोड़ूंगा तो क्या 8 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि इसका मतलब ये निकल गया है, ये निकल गया कि m माइनस फोर और n माइनस फोर है वो 8 के बराबर है, 8 के बराबर है। इससे हमें क्या कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग कि दो अगर फैक्टर बनते हैं, दो फैक्टर बनते हैं उनका प्रोडक्ट 8 है, तो ये m की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये 8 बन जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये यहाँ पे 8 बनाना पड़ेगा, 16 बनाना पड़ेगा या तो, ठीक है, ताकि वो फैक्टर बने। तो m की वैल्यू अगर मैं 12 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना बच गया, 8 बच गया। m की वैल्यू 12 रखने पे यहाँ पे कितना बच गया, 8 हो जाएगा, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब n माइनस फोर है वो 1 हो जाएगा और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो अगर m की वैल्यू 12 है और n की वैल्यू 5 है तो देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि एक है तो आ गया एम 12 और दूसरा है 5। तो अगर 12 है ये तो 12 इस साइड होगी, 12 इस साइड, 24 24 टाइल तो ये होगी, फिर कितनी होगी, 5 है इस साइड मतलब टोटल, तो एक तो काउंट ये होगी, एक ये होगी, तो 3 बच गई है, 3 ये होगी, 3 और 3 6 24 और 6 कितनी होगी, 30। तो इसका मतलब वाइट टाइल्स 30 है। देखिए अब रेड टाइल्स भी 30 बन रही है क्या, तो देखिए 12 में से एक ये गया माइनस एक ये गया तो कितना बच गया, 10 10 ये है, 10 ये है और 10 ये है, 30 ये होगी। तो 30 पहले थी वाइट और 30 रेड है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। कब सेटिस्फाई हो रहा है, जब m की वैल्यू 12 रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी इसका आंसर होगा कि एक एज है वो 12 है। तो इस तरह से आप इसको एक फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करके, वैल्यू पुट करके, ऑप्शंस का साथ कोलेबरेट करके आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, अलग अलग दिमाग दिशा में दिमाग चलाइए। ये थे क्वेश्चन रिलेटेड टू मेंसुरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस।